सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दोपहर के 12 बजे से शायद से। और जैसे कि आप लोगों को रूम से और बैकग्राउंड से पता लग रहा होगा कि मैं धर्मशाला पहुंच गई हूँ। तो मैंने सुबह उठ के, पापा आए थे हमें छोड़ना, पापा सुबह 4 बजे चल गए तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। सुबह 4:30 बजे पापा निकल गए ताकि ट्रैफिक ना मिले उन्हें रास्ते में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था कल आते टाइम और बहुत टाइम लगे था पहुँचते पे। तो पापा ने डिसाइड किया था रात को कि वो सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि उन्हें ट्रैफिक ना मिले। काश यहाँ पर बैठी है। बस अभी मैंने झाड़ू पोछा सफाई की, भाई इतना बंद, मतलब बंद बंद कमरा कैसा होता है, इतना धूल धूल सा, सब कुछ बेडशीट वगैरह सब कुछ धो दी। अब मैं खुद नहाऊंगी, बस उसके बाद खाना खाएंगे। काश ने खाना बना दिया, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया, बस अब मैं नहाऊंगी तो आपको मिलते सीधे नहाने के बाद। मेरा नहाना धोना भी हो गया और काशु ने एज यूजुअल मसूर की दाल और चावल बनाए हैं। और ये रहे मसूर की दाल और चावल, और साथ में रात को बीन्स की सब्जी और आलू की सब्जी बनाई थी मिक्स करके, वो भी सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमने वही खाई थी। काशु तो घी खाएगी पर मैं घी नहीं खाऊंगी, मेरे को घी खाना इतना पसंद नहीं है। मेरे दही खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, पर यहाँ पर एक पाकिस्तानी ड्रामा चला हुआ है काशु, और मेरे को ये ड्रामा बहुत पसंद है। नया नया आया, अभी 14-15 एपिसोड आ गए हैं इसके, पर बहुत अच्छा सीरियल है। खाना खाएंगे और सीरियल देखेंगे साथ में, और फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि सुबह की लगी हूँ मैं तो काम करने। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:20, और मैं थोड़ी देर दूर में बैठी थी, अभी मैं आ गई, मैं पढ़ने बैठूंगी। काफ़ी दिनों बाद अब पढ़ने बैठेंगे भाई, बहुत दिन मस्ती कर ली, अब पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी थोड़े दिनों के लिए। और मैं पीछे कपड़े धो के फेंके उधर, उन्हें बाद में पैक करूँगी। तो बस अब पढ़ते हैं और कुछ नहीं, मन लगा के पढ़ते हैं और कुछ नहीं। शाम को अंधेरा ही होने वाला था, यहाँ पर दो बैल छोटे छोटे आपस में लड़ाई कर रहे थे नीचे। अभी टाइम हो रहा है शाम के सिर्फ 7 बज रहे हैं, और हमने ऑर्डर कर लिया धर्मशाला आके, नूडल नहीं खाई तो क्या खाया भाई, क्या खाया, खाया क्या, तो क्या खाया मैंने, कुछ नहीं खाया ना। रुको 2 मिनट में नूडल निकाल लेती हूँ। ये 2 नूडल मंगवाई है, एक मेरे लिए और एक काशु के लिए, तो समझ लो आज का डिनर नहीं बनेगा, नूडल ही खाएंगे भाई, नूडल ही खाएंगे। अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आओ और कचरा खाओ। मजाक यार, कचरा तो क्या है, नूडल खाने कभी कभी तो खा लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता है ना। इसमें ऑयल इतना ज़्यादा है ना, कितना चिपक रहा था। काशु ये सॉस की बोतल है भाई, इसे कौन तोड़ेगा, मैं तोड़ूंगी इसे अपने दांतों के साथ, दांत ना टूट जाए इसे तोड़ते तोड़ते, और तो सब ठीक है। ये हमारा सॉस, पहले मैं सॉस और नूडल कभी नहीं खाती थी, अब तो मेरी फेवरेट हो गई ये सारी चीज़ें। कितनी ज़्यादा लजीज लग रही है ऊपर से सॉस भाई, वाह क्या मज़ा है नूडल का। अब मैं खाती हूँ पहले, और काशु ने तो खाना शुरू कर लिया। काशु को चटनी के साथ खाना पसंद है, स्पाइसी स्पाइसी, मेरे को मीठा मीठा पसंद है, क्योंकि मेरे को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कम खाती हूँ मैं। तो बस अब पहले खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। खाने पानी सब कुछ हो गया है और मेरे गले फंस रहा है, पता नहीं क्यों बहुत बकवास करती हूँ ना मैं आजकल, तो मेरे गला फंसने शुरू हो गया है, तो कुछ नहीं। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:30 बजे का, और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, और मैंने रात को ब्लॉग एंड नहीं किया है, ये दोनों ब्लॉग थोड़े मिक्स आएंगे। मैं दिखा दूँ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। मम्मी ने घर से दूध भेजा था, तो ये दूध है, और 2 प्लेन परांठे और सब्जी, और ये हमारा ब्रेकफास्ट है। चलो ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद अपने ग्रंथ खोलेंगे और पढ़ने बैठेंगे। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30, और मैं बस तड़का लगा के आई हूँ अभी खाने में, मतलब आज खाने में मैं थोड़ी देर में बताऊँगी जब बन जाएगा ना क्या बनाया, आलसियों का खाना। और मैं अब थोड़ी देर पढ़ने बैठूँगी और उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे एज़ यूज़ुअल, नॉर्मल डे रूटीन आ गया फिर से, खाओ पियो पढ़ो और सो जाओ, खाओ पियो पढ़ो और सो जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भाई मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई अपना ब्रज निकालते निकालते,
हमने आज मटर का पुलाव बनाया है और साथ में दही मेरे लिए, काशू के लिए घी। मेरे को दही बहुत अच्छा लगता है, मतलब ब्रंच के साथ। और मैं शूट करना, या मतलब घर वालों का फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैं शूट करना भूल गई बीच में। तो अभी खाना खुना खा लेते हैं मस्त, अपना ब्रंच बहुत टेस्टी बना है, खाने का मज़ा आ रहा है। वैसे सच बताऊँ तो इतने टाइम बाद हम ऐसा ब्रंच खा रहे हैं, थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा, फिर बोर हो जाएंगे 2-4 दिनों के बाद अगर कंटिन्यू ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे तो। तो चलो खा लेते पहले। खाना खूना हमने खा लिया अभी, और अभी मैं खाऊंगी मीठे में गचक गचक खाऊंगी। कश याद एक बार एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट है गचक के पीछे का, बहुत फनी है, कभी और किसी और टाइम शेयर करूंगी। तो बस, तो मैं ब्लॉग एंड भी यहीं पर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।